भगवान आ जाए ऊपर से, नौकरी दिलवा दो या मौत दे दो, बस नीचे हॉल भरा कैसे बिना सोए सरे सरे मेरा माल मेरे एक बच्चे का छोड़ के आए हुए कल के आगे पे छोड़ा हुआ अपना है, मेरा 8 मंथ का बच्चे बस को छोड़ के आई है इधर। बर्फीली ठंड में सीएम सुक्खू द्वारा 8 घंटे इंतजार करवाए जाने के बाद सिसक सिसक कर रोए बेरोजगार। गत 27 दिसंबर को भी दिन भर इंतजार के बाद सैकड़ों जो अभ्यर्थियों को नहीं दिया गया था मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करने का समय। 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर सचिवालय पहुंचे बेरोजगारों को करना पड़ा सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक का इंतजार। जेओए कमीशन निकाल चुके अभ्यर्थियों ने गत विधानसभा चुनाव के दौरान राजेंद्र राणा, कुलदीप राठौड़ व विक्रमादित्य आदि कांग्रेस नेताओं के आश्वासन संबंधी कटिंग भी दिखाई। पुलिस प्रशासन द्वारा बार बार रोके जाने पर दुखी हृदय से बेरोजगारों ने भगवान से मांगा न्याय। मीडिया कर्मियों के घटनास्थल पर जमा होने के बाद मुख्यमंत्री ने की बेरोजगारों से मुलाकात। सीएम सुक्खू ने जल्द हिमाचल सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जल्द जेओए रिजल्ट जारी करने संबंधी याचिका दायर करने का भरोसा दिया। बार बार पेपर लीक होने व रिजल्ट स्टे होने से आक्रोशित है परीक्षाएं अथवा कमीशन निकाल चुके हिमाचल के सैकड़ों बेरोजगार। हिमाचल के मुख्यमंत्री के रूप में गत 11 दिसंबर को शपथ ग्रहण के बाद कई बार व्यवस्था परिवर्तन की बात कह चुके सीएम सुखविंदर सुक्खू से मिलने के लिए बर्फीली ठंड में लगातार 8 घंटे के इंतजार के बाद सैकड़ों बेरोजगार आज भपक भपक कर रो पड़े। गत 27 दिसंबर को भी जेओएआईटी 817 की परीक्षा पास कर चुके उक्त बेरोजगारों के अनुसार उन्हें मुख्यमंत्री द्वारा मिलने का वक्त नहीं दिया गया और फिर आ जाने को कहा गया था। 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर चंबा व अन्य विभिन्न हिस्सों से प्रदेश भर में हो रही बर्फबारी के बीच राजधानी शिमला पहुंचे कई बेरोजगारों के अनुसार दूसरी बार वह घर वालों से पैसे मांगकर सचिवालय पहुंचे, मगर यहां मुख्यमंत्री सरकार व पुलिस प्रशासन उन्हें सही ढंग से इंसानों की तरह ट्रीट नहीं कर रहा है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक इंतजार के बाद दुखी जेओएआईटी अभ्यर्थियों ने यहां तक कह डाला कि न्याय नहीं दे सकते हो तो उन्हें मार दिया जाए और भगवान उनसे इंसाफ करेगा। इस दौरान उन्होंने गत विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राजेंद्र राणा, कुलदीप राठौर व विक्रमादित्य सिंह आदि द्वारा दिए गए न्याय के भरोसे संबंधी सोशल मीडिया के कटआउट अथवा कटिंग भी दिखाए। शाम 6 बजे के करीब घटनास्थल पर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगने के बाद कुछ ही देर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू उनसे मिलने पहुंचे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा जल्द अथवा आगामी 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन अथवा याचिका दायर करने की बात कही गई है, जिसमें हिमाचल सरकार जल्द से जल्द जेओएआईटी का रिजल्ट जारी करने की अपील करेगी। सिस्टम अथवा सरकार की खामी के चलते सालों की मेहनत के बावजूद नौकरी न मिलने तथा फिर मुख्यमंत्री द्वारा भी 8 घंटे तक इंतजार करवाए जाने के बाद भपक भपक कर रोने वाला बेरोजगारों का यह वीडियो बेशक टीआरपी के लिहाज से मेनस्ट्रीम मीडिया के लिए बड़ी खबर ना हो, मगर एक आम इंसान को अंदर से झकझोर कर रख देने वाली यह तस्वीरें काफी कुछ कहती है। रिश्तेदार में जाकर उड़ाते किस्मत किस्मत में होगा मिलेगा सर, ये किस्मत नहीं है सर, ये हमारे सिस्टम को यहाँ सु दे रहा है। भगवान को अभी पूरा कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा नौकरी दे दो इनको, नौकरी दिलवा दो या मौत दे दो बस। सर नीचे हॉल भरा पड़ा, आप नीचे चलो, आप नीचे चलो सर, एक बार नीचे आके चलो। सिस्टम भी हल्ला बुल्ला करके मैच को, लेकिन सरकार मजबूर कर रही है हमारे को ऐसा करने में। सुबह से आए हुई है यार, पिछली बार आज 27 तारीख को जी आप 20 को आओ, जब हमको 20 को बुलाया था तो हमारे को प्रायोरिटी में क्यों नहीं रखा गया। जाते जाते किसी के घर का औलाद गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, कोई मर जाए, उसके घर वालों कौन जिम्मेवार है, कौन उसको सर संभालेगा, कोई आएगा यहाँ पे, मंत्री आएंगे ले जाने के लिए उसको घर में। हमारे पेरेंट्स भुगत रहे हैं सर, सर कितना कोऑपरेट करे, 3 साल से सर कितना करे, 3-3 एग्जाम क्वालिफाई करके नौकरी नहीं है, कमीशन में सर लीकेज चल रही है, कमीशन में लीकेज चल रही है, क्या करें सर, ये सिस्टम है हिमाचल का। आप कहाँ से, आप कहाँ से सर, नीचे हॉल में चलो सर, हॉल में चलो। विधायक है रघुवीर सिंह वाले जी, उनको भी कहा था कि हमारे मैटर को सोल्व कराओ, अगली बार वोट मांगने मत आना सर। मैंने सर फेसबुक में अपने जितने बंदे थे उनको कहा कि भाई इस बार सर, इन्होंने हमारे पास पोस्टर है सर, राजेंद्र राणा वगैरह सबने सर हमारे लिए पोस्ट डाली थी, ये है सर विक्रमादित्य जी की पोस्ट है सर, जो 817 को हम प्रायोरिटी पे रखेंगे। क्या हुआ सर, ये सर कुलदीप सिंह राठौर और ये सर राजेंद्र राणा जी, ये डिप्टी सीएम सर, प्रूफ है सर हमारे पास, हमारे मैटर को उन्होंने कहा था प्रायोरिटी पे रखेंगे, हमारे सपोर्ट लेकर के आज हमारे नीचे सर भूखे खड़े, पानी तक नहीं है सर, कोई पूछने वाला मार को, घर से उधार लेकर के पैसे लेके आते कि चलो जाने सर, पैसे पानी खर्चने तक पैसे के लिए पैसे नहीं है।
सुबह 10:30 बजे पहली बार नहीं है, हम 3-4 बार पहले भी आ चुके हैं हम यहाँ पर। अपने छोटे नौकरियाँ लगी हुई है, टाइम है जिन्होंने बंदों ने एग्जाम क्वालिफाई किया सर, उनके लिए टाइम ही नहीं है। आओ सर कभी कमीशन की तैयारी करो सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक पसीना निकल आता है, हिमाचल की नदियों से लेकर के सर जियोग्राफी लेकर के क्या क्या पढ़े सर। अब ये कह रहे हम आईटी ऑनलाइन एग्जाम कराएंगे सर, इतना बड़ा डाटाबेस है गवर्नमेंट के पास, इतनी बड़ी इंटरनेट क्वालिटीज है किन्नौर तक पहुंचाने की, क्या आपने तो लिख करके दे दिया जी ऑनलाइन एग्जाम करवा दो, है आपके पास सर्वर चेक किए का टेस्टिंग होती है सर, कभी भी बोलना आसान होता है कि 200 बंदों पे टेस्टिंग कराओ, 400 पे टेस्टिंग होती है, उसके बाद जाकर एग्जाम क्वालिफाई, ऑनलाइन प्रायोरिटी चलती है। नीचे जाओ ना, ये आ जाएंगे, चलो नीचे चलो यार, आप जाओ नीचे, चलो नीचे, बहुत सुबह से वेट कर रहे हैं सर, काम नीचे करो आप, जो आईटी वाले ने आपसे जी चलिए अंदर चलिए। हम लोगों का पूरा फ्यूचर दांव पे लगा दिया इन लोगों ने, कोई किसी की शादियां टूट रही है, किसी के आगे की तैयारियां नहीं ढंग से हो पा रही है, एक डिसाइड तो करो ना, एक डिसीजन तो होना चाहिए। आज सीएम साहब ने बोला है कि 20 तारीख को हम लोग कुछ ना कुछ निर्णय पे आएंगे, अब एक महीने से हमारा HPSSC सस्पेंड है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग बच्चे लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग किस चीज़ की तैयारी करके बैठे। आज हर एक जो जितने भी हमारे साथ में आज एस्पिरेंट खड़े हुए हैं ना यहाँ पर, सब लोगों के अच्छे अच्छे एग्जाम क्लियर है, हम लोग कोई क्रिमिनल तो है नहीं है ना, गलत काम तो किया है क्या, किसी ने किया है क्या गलत काम, किया क्या हम लोगों ने, मतलब आज एग्जाम निकालना गलत काम हो गया है, हम लोगों की पहले नहीं सुनी जा रही है, मतलब बेरोजगारों का मजाक बन चुका है आज। आज सिर्फ ये JOAIT की बात नहीं है, पेपर लीक मामला हुआ है, उमा आजाद जी है, इतने सारे लोग वहां पर, सबको जमानतें मिल रही है, किसी बेरोजगार ने आवाज उठाई, बट अगर हमारे ऊपर आएगी ना सर, हम लोग कहां जाएंगे, आप बताएं, क्या आप लोगों के पास में जवाब है, मैं मीडिया से ही पूछता हूं। और 3 साल सर मायने रखता है किसी की जिंदगी का, 3 साल किसी के पेरेंट्स किस तरीके से, आज भी कोई नहान से आया है, कोई बताने वाला है कि उसको बस कितने बजे मिलेगी, किसी को पता है, किसी को इस चीज की पड़ी है, किसी को नहीं पड़ी है, सब लोग अपनी दौड़ में दौड़ रहे हैं। आज चम्मा से आए हैं सर, बर्फबारी में हम लोग बेवकूफों की तरह दौड़ रहे हैं, किस वजह से, कि सर ने एक उम्मीद जगाई है आज कि 20 तारीख को कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है, अगर आज पॉजिटिव नहीं बैठता है हम लोग यहीं पे है, आज कोई नहीं जाएगा। ये वे एस्पिरेंट, मैं सबसे प्रॉमिस चाहता हूँ, आज जब तक हमारा डिसीजन क्लियर नहीं होता है हम लोग नहीं उठने वाले यहाँ से, और आज हम सीएम साहब से मिलके जाएंगे, आज नहीं जाने वाला है कोई, चाहे कोई मेल है फीमेल है, हम लोग यहाँ डटे रहेंगे।